जून का मौसम खत्म होने को है और पटना के लोगों को मॉनसून के पहले बारिश का इंतजार है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार पड़ने वाली गर्मी से लोग काफी परेशान थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे कि आज मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि आज पटना में बारिश हो सकती है। यानी कि इस सूचना के आने के बाद से अगर हम आपको मौसम का रुख दिखा दें तो आप देख सकते हैं कि मौसम का मिजाज जो है काफी आशिकाना है, यानी कि मौसम जो है काफी बदल रहा है। आप देख सकते हैं कि काले बादल जो है छाए हुए हैं, हवाएं चल रही है और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल रहा है। पिछले दिनों लगातार 40 डिग्री पारा दर्ज किया जा रहा था, जिसके बाद आज जब मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से आप देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज जो है पूरी तरह से बदल रहा है। अगर आज पटना में बारिश होती है तो ये मॉनसून की पहली बारिश कही जाएगी और लोगों को काफी राहत मिलने वाला है। देखिए, इस वक्त हम आपको वो नजारा दिखा रहे हैं कि कैसे मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, कितनी तेज हवाएं चल रही है, काफी धूल भी उड़ रहे हैं, यानी कि हो ना हो आज पटना में बारिश हो ही जाएगी, ऐसा लग रहा है। आप लगातार देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कैसे मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और आज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। आज होने वाली बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिल जाएगी, पटना वासी अंदर ही अंदर सुकून पाएंगे क्योंकि पिछले दिनों की लगातार पड़ने वाली गर्मी से हर कोई बेहद परेशान था। आपको हम दिखा रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि कितनी तेज हवाएं चल रही है, यानी कि आज मौसम ने अपना मिजाज आखिरकार बदल ही लिया है और मॉनसून की पहली बारिश के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आप साफ तौर से देखिए कि कैसे मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, कितनी तेज हवाएं चल रही है। और इधर यानी कि पटना क्षेत्र के लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि पड़ने वाली गर्मी से लोग बेहद परेशान थे। वहीं हम आपको नजारा लगातार अभी दिखा रहे हैं कि कैसे मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं कि अगर आज बारिश हो जाती है तो गर्मी से राहत मिल जाएगी। तो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो नजारा जो हम खुद ही देख पा रहे हैं। आप देखिए कि मौसम ने कैसे अपना मिजाज बदल लिया है, अगर आज बारिश होती है तो ये मॉनसून की पहली बारिश होगी। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, पर एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।